कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, हमें पपी देखना है, हमें पपी देख के लेना है, या फिर हमें पपी उसको फील करना है और उसके बाद ही लेना है। वो बस सब सही है आपकी जगह पे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो बेसिक, आज मैं ब्रीडर की तरफ से या फिर पेट शॉप ओनर की तरफ से, नहीं पेट पेरेंट की तरफ, सबकी तरफ से अपने अपनी बात आपके सामने रखूँगी। कैसा होता है, कुछ कस्टमर है, अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट कुछ लोगों को ऐसा है कि हमें पपी देख के उसको हाथ लगा के सब, अब सब जगह पे कोई कस्टमर है, हर जगह जाएगा और उस पपी को हाथ लगाएगा, तो मे भी एक अगर डॉग को इन्फेक्शन है तो उसके वजह से दूसरे पपी को भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सब केयर नहीं करते। कभी भी याद रखिए, पेट शॉप वाला है, आज हम ब्रीडर हैं, ब्रीडर क्या करता है, उसको अपने बाकी पपी के साथ भी रखता है, उसके माँ भी उसके पास रहती है, प्लस उनका सब मतलब अलग वो क्लाइमेट या फिर उनका जो फैमिली बैकग्राउंड, वो सब साथ में रहते हैं, तो उस वजह से इतना कुछ इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। बट जब कोई पेट शॉप वाला रखता है तो वो कैसा केयर कर रहा है, क्या कर रहा है, वो इम्पोर्टेंस होता है। वो उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है, अपना अपना सबका काम करने का एक तरीका होता है। मैं बोलूँगी, जब आपको कोई ब्रीड लेनी है या फिर देखना है या फिर क्या करना है, आज ये मेरे जैसे लोग हैं जो आपको ब्रीड दिखा देंगे या फोटो है, वीडियो है, जो भी है उसका बैकग्राउंड बता देंगे। बट कभी भी याद रखिए, जब आपको कोई पुराना है, जब इंडस्ट्री में, आज हमारा 20 साल हो गया इस इंडस्ट्री में, कुछ बातें हम आपको शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इतना सब कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 100% हमारी ऐसा है कि उसके पीछे हमने इतने साल दिए। अब जो कोई है, जैसे कि पपीज हर ऐसे कहीं पे भी रखे हैं और केज में रखे हैं, फिर या फिर ऐसे केज में रखे हैं जहाँ पे गंदा है, मेरा बोलना है उनके लिए, आज आप पपी लो बट आप क्लीन कितना है, उसका जो हेल्थ कैसा है, वो सब आपको देखने में, क्योंकि आज हम लोग पपी जब दिखाते हैं तो वहाँ पर वो पपी कैसा खेल रहा है या क्या है, उस हिसाब से आपको बताते हैं। आज क्या होता है, आज छोटा छोटा चीज़ें पपीज़ में, आप जब तक आप खुद नहीं देखोगे, 100% लोगों का बोलना है कि हमें देख के लेना है, सब सही है, बट जब आपको क्वालिटी है या फिर ये सब चीज़ें, आपको कहीं कहीं टाइम पे प्रॉब्लम आ सकता है, बट आप हेल्दी पपी आपको जब कोई है बैकग्राउंड वाला या फिर कैसा क्या, आप पूरा डिटेल उनसे ले लो जिससे भी आप लेने वाले हो। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी हर जगह जाके पपीज़ को हाथ मत लगाइए, ठीक है, आपको फील करना है वो सेकेंडरी है, बट पपी का हेल्थ कैसा है, क्या क्या है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर बहुत चेंज हो जाता है, उसका वजह से कभी कभी पपी अगर नहीं बीमार है तो भी बीमार पड़ सकता है, और अगर एक पपी बीमार है उसको हाथ लगा के आप दूसरे पपीज़ के पास आ रहे हो तो उसका इन्फेक्शन कैरी हो सकता है। तो मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, आपको बताती हूँ, आपको लेना है बट आपको समझ में आना चाहिए कैसा है, क्या है, हेल्थ कैसा है, डिवॉर्म किया है क्या, वैक्सीन किया है क्या, पूरा बैकग्राउंड पहले वो चेक कीजिए, उसके बाद आप जिससे लेने वाले उसका कुछ तो आपका डिटेल हो पता होना चाहिए कि जो वो कैसा पपी दे रहा है, क्या है, वो समझ में आ जाता है। देखो कुछ लोग ऐसे पैसे घर में लेके जाते हैं पपीज़ को छोड़ के, हाँ पसंद करो, ऐसा नहीं होता, ब्रीडर कभी ये नहीं करेगा, कभी भी याद रखिए। आज ब्रीडर आपके, उनको घर के बात सेकेंडरी है, वो खेलता हुआ आपको वीडियो भेज देगा या फिर वो आपको सिलेक्ट करके चूज करोगे ना, तो उसके लिए ना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि उस लीटर में से कोई तो पपी आपको मिलने वाला है। और जब पपी खेलता हुआ फैमिली के पास है, मतलब उसकी माँ के पास है ना, और 45 days है ना, तो कोई टेंशन नहीं होता है। तो प्लीज़ जितना हो सके लोगों तक पहुँचिए कि पपी लेने से पहले ये सब चीज़ें देख ले, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।